नताशा की शादी कोरोना के दौरान हुई है ना जी। तो तुम्हारी शॉपिंग भी कोरोना के दौरान हुई है? शॉपिंग भी हाँ, हाय हाय मास्क लगा के क्यों? अच्छा वो हुआ ये कि लॉकडाउन था और बहुत सारी चीजें तो उन दिनों में बिल्कुल बंद ही पड़ी हुई थी ना। और बिल्कुल भाई हमने तुम्हारी शादी की पिक्चर्स तो दिखाए, हैंडसम हस्बैंड को दिखाए, जरा भाई गुलाब भाई को दिखाए जरा पहले। नताशा की शादी कोरोना के दौरान हुई, कम लोग थे, लेकिन नजर बट्टू जरूर लगाती है। नजर ना लग जाए इसकी हर तस्वीर में, ये नजर बट्टू कहीं ना कहीं अच्छी बात है। बबलू ने तैयार किया भाई ये। और जोड़ा कहाँ से बनवाया तुमने? ये जोड़ा शाजिया कियानी का था। ओ शाजिया कियानी का जोड़ा भाई, हजारे हैवी जोड़ा, बहुत हैवी ड्रेस है। नताशा को वैसे बहुत शौक था दुल्हन बनने का। और मैं यही कहती थी कि मैं लाल जोड़ा पहनूंगी। अच्छा कोल्ड शोल्डर भी है वो ट्रेंडी। ये देखे मैं नजर से बैठी। और हस्बैंड ने कहा कि पहना हुआ जोड़ा वो अपनी खुद ही तो नहीं, वो उनका अपना ही था। अच्छा हाँ, लेकिन कितना खूबसूरत जोड़ा है, मियां ने भी कितना अच्छा। अच्छा बड़े मजे का वो जो उनका अपर था ना, वो तुम्हारा आइडिया था या उनका ही था? नहीं उनका था। अच्छा नताशा तो तुम कितने लोग थे तुम्हारी शादी में? टोटल 14-15 लोग थे बस। और क्यों, कौन से महीने में हुई थी जी? कौन से महीने में हुई थी? 14 अगस्त को हुई थी मेरी शादी। हाय हाय बिल्कुल ही उस वक्त सब कुछ बंद और ये वो सारी चीजें। 14 अगस्त को हुई थी। हाँ और मेरे घर वाले थे और मेरे ससुराल वाले थे बस। अच्छा अब ये मेरे फेसबुक पे ना, अब मैं टेंशन में कि नताशा तो हमेशा जब भी घूमने जाती है कहीं अकेली होती है, ये कौन आदमी जिसके साथ ये यूं करके तस्वीर खिंचवा रही है? और मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या है, ये वाली वो तो नहीं हो सकता, कोई कजन है कोई भाई है। बड़ी फ्रैंक हस्बैंड वाली तस्वीरें थी। मैं कहा ये तो कभी भी नहीं लगाती आदमियों के साथ तस्वीरें, ये क्या है ये। फिर मुझे आखिरकार मैंने हिम्मत कर ली, मैंने कहा नताशा तुम्हें मैंने मैसेज किया था कि ये इसने कोरोना का फायदा उठाया, 14 लोगों को बुला के वो सारे पैसे तुमने किधर संभाल के रखे? नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले से ही कहती थी कि मुझे अपने माँ बाप का कोई पैसा नहीं खर्चना, बिल्कुल ही जाया करने मुझे पैसे, और मुझे बहुत सारे इवेंट्स नहीं करने, मुझे उलझन होती है। नहीं यार सीरियसली, मैं तो आप मेरे पुराने कोई शोज निकाल के देखे ना, मैंने आपको भी बातें बताई थी जब मुझे कहती थी कि शादी तुम कैसे करना चाहती हो, क्या होगा, तो मैं यही कहती थी कि मुझे वो इतने हल्ले गुल्ले और वो तमाशे और इतने दिनों के इवेंट्स नहीं चाहिए। तो वो अल्लाह का कुछ ऐसा करना हुआ कि वो लॉकडाउन था ऑलरेडी और जो मैं बोलती थी वही सब कुछ पूरा हो गया। हाँ। वो इतनी सादगी से निकाह हुआ, निकाह पे तो मैंने बिल्कुल ही सादा सा जोड़ा। अच्छा पहना था। कैसे रंग के पहने था? वो ऑफ व्हाइट कलर का और टीप पिंक, उसकी पिक्चर्स नहीं है, जोड़ा था उसकी अभी इसके ऊपर नहीं है, मैं फोन में चेक करती हूँ। अच्छा, शायद दे सकूं। वो मैंने पहना था, फिर उसके बाद उसी दिन रात को हमने फोटो शूट के लिए ये सब तैयारी की। अल्लाह, घर वाले थे, कुछ भी नहीं था, बस बाहर जाके खाना वाना खा लिया, बस ऐसे ही हुआ था। उस अगस्त में खुले हुए थे रेस्टोरेंट, मेरे ख्याल से आउटडोर खोले थे। नहीं कुछ खुले हुए थे, बहुत कम कुछ खुले हुए थे और आउटडोर खुले हुए थे, गाड़ी में बैठ के खा सकते हैं इस तरह का बारबेक्यू। और अच्छा फिर कपड़ों का ये हुआ कि अब आप उससे जैसे सभापन इतना सारा इंतजाम किया कि वो जाके बनवाए और ये वो, तो हमारे पास तो ये सीन ही नहीं था बिल्कुल। तुम्हारे कितने दिन पहले हुई कि भाई इस डेट को शादी हो रही है? एक हफ्ते के अंदर।